माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, साथ में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के उन वीर शहीदों को जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी वीरता से जिन आतंकवादियों ने हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के गौरव पर अपने नापाक इरादों के साथ हमला किया था, उन सभी को मार गिराया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड शहीद हुए, साथ में 1 कर्मचारी भी, यानी कुल मिलाकर के 9 लोग शहीद हुए। 16 जवान इस दौरान मुठभेड़ में घायल हुए थे। आज उन सभी वीर जवानों को देश श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, अधिकारी, उन बहादुर सैनिकों के परिजन आज इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित हैं, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए।